और मुख्यमंत्री मनोहर लाल 17 और 18 मई को दो दिवसीय सिरसा दौरे पर आ रहे हैं। सीएम के सिरसा प्रवास के मौके पर सिरसा के लोगों को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री जिले के विकास के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। रिपोर्ट आप देखिए। सिरसा जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आगमन की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार की देर शाम सिरसा पहुंचेंगे और 18 मई को चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का सिरसा दौरा जिले में विकास की रफ्तार को गति देगा। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले है, जिसका लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा दौरे पर कल शाम को यहाँ पे सिरसा में पहुँचेगी और यहाँ पे नाइट होल्ड करेगी। उसके बाद में उनका परसों सुबह ऑफिशियल प्रोग्राम है, जिसमें हम हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इनोवेशन या फाउंडेशन के लिए रेडी है वो हम उनसे करवाएंगे। हमारे करीब 15 प्रोजेक्ट है, करीब 52 करोड़ के, जिनका इनोवेशन होना है, और 27 प्रोजेक्ट है अराउंड 290 करोड़ के, जिनके फाउंडेशन स्टोन ले करने हैं। टोटल 343 करोड़ रुपीज़ के इनोग्रेशन फाउंडेशन स्टोन किए जाएंगे, जिसका हमने वेन्यू CDLU का मल्टीपर्पज़ जो हॉल है वहाँ पे किया हुआ है। इसमें हमारे पास में DHBVM के जैसे कई बिजली घर है 33 KV की, इसके अलावा PWD BNR की काफ़ी सारी सड़कें, करीब 212 करोड़ रुपये की सड़कों का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। उसके अलावा एक्शन पंचायती राज की तरफ से पंचायत भवन जो हमने नया बनाया जाने उसका भी फाउंडेशन स्टोन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने सिरसा प्रवास में उन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे जो सरकार के प्रयासों से पूरी हो चुकी है और जन कल्याण के लिए समर्पित की जानी है। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन, 50 करोड़ 74 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल 15 प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, 4 गांव को मिलेगी 33 KV सबस्टेशन की सौगात, गांव डिंग में 397.36 लाख लागत से बना PHC, गांव कागदाना PHC पर आई 360 लाख की लागत, रानिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का होगा उद्घाटन, 873.89 लाख रुपए की लागत से बना है कम्युनिटी सेंटर, गांव जंडवाला से लुइया वाली तक की सड़क का उद्घाटन, कालुआना से सहरणी तक की सड़क का उद्घाटन, लुइया वाली से घूंगा वाली खाई शेरगढ़ लिंक रोड को करेंगे समर्पित, गांव खोकर से एबुआना लिंक रोड का CM करेंगे उद्घाटन, राजपुरा माजरा से लखुआना लिंक रोड 143.38 लाख रुपए की लागत, CM गांव केवल ने बने परचेज सेंटर का उद्घाटन करेंगे, अबूब शहर करोड़ों की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिले के निरंतर विकास के लिए 27 नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, 292 करोड़ 47 लाख रुपए की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास, मुख्यमंत्री मनोहर लाल 27 प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास, घग्गर नदी के दोनों ओर HL ब्रिज का शिलान्यास, गांव खारिया से ओटो तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास, जिला सिरसा में 7 नई सड़कों के निर्माण कार्य की होगी शुरुआत, कई रूटों पर लाखों की लागत से लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा, गोरीवाला में 33 KV सबस्टेशन का शिलान्यास करेंगे CM, 399.56 लाख रुपए की लागत से चोरमार माइनर का शिलान्यास, लोहगढ़ प्रथम डिस्ट्रीब्यूटरी का भी CM शिलान्यास करेंगे, जंडवाला सब माइनर के सुधारीकरण कार्य का भी शिलान्यास होगा, मुख्यमंत्री ग्रे वाटर मैनेजमेंट कार्य का करेंगे शिलान्यास। सिरसा जिले को मिलने वाली कुल सौगातों में 9 प्रोजेक्ट लोक निर्माण विभाग के हैं और 4 परियोजनाएं जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है। मुख्यमंत्री के सिरसा आने से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की 6 परियोजनाओं को गति मिलेगी
और सिंचाई विभाग के 7 प्रोजेक्ट शुरू होंगे। वही हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 9 परियोजनाओं का सीएम शुरुआत करेंगे। शिक्षा विभाग के एक प्रोजेक्ट और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के एक प्रोजेक्ट को भी मंजूर किया गया है और सौगातों की सूची में पंचायती राज विभाग के 5 प्रोजेक्ट भी शामिल है। यानी मुख्यमंत्री का सिरसा दौरा सौगातों से भरा होगा, जो कि एक बार फिर बिना भेदभाव के विकास करने वाली मनोहर सरकार के दावे को सार्थक सिद्ध करेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल 18 और 19 मई को गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश से जुड़े 2 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पहला कार्यक्रम तो ग्लोबल सिटी की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रहेगा और दूसरे दिन के कार्यक्रम में सीएम खरखौदा में मारुति के तीसरे संयंत्र के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। रिपोर्ट देखिए आप। हरियाणा तेजी से वैश्विक निवेशकों की पसंद के रूप में उभर रहा है। हरियाणा में कारोबारियों को निवेश के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। संसाधनों की आपूर्ति के लिहाज से भी हरियाणा उन्नत स्रोत है। कारोबारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हरियाणा एक और उपलब्धि अपने नाम करने जा रहा है। हरियाणा के खरखौदा में जल्द ही मारुति सुजुकी अपना तीसरा संयंत्र लगाने वाली है। इस संयंत्र को लेकर हरियाणा सरकार और मारुति कंपनी के बीच समझौते पर 19 मई को हस्ताक्षर होंगे। खरखौदा का औद्योगिक मॉडल टाउनशिप MSIL अपनी परियोजना स्थापित करेगा। विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप 3217 एकड़ में विकसित किया जा रहा मॉडल। IMT को NCR नहर से पानी की आपूर्ति होगी। बिजली निगमों से प्रचुर मात्रा बिजली उपलब्ध होगी। दिल्ली से नजदीकी का मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 18 और 19 मई को गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। 18 मई को जहां मुख्यमंत्री ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, वहीं 19 मई को गुरुग्राम में हरियाणा जापान के व्यापारिक संबंधों के 4 दशकों का जश्न भी मनाएगा, जो 1981 में शुरू हुआ था और आज भी फलफूल रहा है। हरियाणा में ऑटोमोबाइल सेक्टर के विकास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मारुति राज्य में अपना तीसरा संयंत्र लगा रही है। IMT खरखौदा में 800 एकड़ और 100 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। MSIL ने IMT खरखौदा में 800 एकड़ भूमि खरीदी है। परियोजना पर कुल 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार प्लांट में हर साल करीब 2.5 लाख वाहन बनाए जा सकेंगे। खरखौदा का ये प्लांट साल 2025 तक चालू हो जाएगा। खरखौदा मारुति सुजुकी के प्लांट के जरिए प्रदेश के 13,000 युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कार उत्पादन प्लांट में करीब 11,000 कुशल, अकुशल और अर्धकुशल युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी तरह सुजुकी के मोटरसाइकिल उत्पादन प्लांट में 2,000 लोगों को नौकरियों के अवसर मिलेंगे। मारुति के नए प्लांट से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास और राज्य के चहुंमुखी विकास को गति मिलेगी और अन्य क्षेत्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हरियाणा में अपना मुख्यालय और विनिर्माण संयंत्र स्थापना करने के लिए प्रेरित होंगी। साथ ही प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।